हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे DIY पॉटुलका का। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक छोटे डिब्बे की, एक ख़राब हो गए पंखे के जाली की, और उसके नीचे हम लगाएंगे इस तरह तार को घुमाकर। इस तरह का स्टैंड बनाने के लिए आप जो भी तार इस्तेमाल करेंगे, आप देखें कि वो तार थोड़ा कड़क हो, ताकि जब भी हम इसमें पॉटुलका लगाएं तो वो उसके वजन में गिरे ना। नीचे का कंटेनर छोटा ही रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉटुलका के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। हमने ये छोटी छोटी मटकी में लगाया था। ये वही मटकियां हैं जो करवा चौथ के समय हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही थी। हालांकि हमने इन्हें काटी नहीं थी, क्योंकि अगर हम इनकी हार्ड प्रूनिंग कर देते तो हम इसे इसमें नहीं लगाते, इसलिए हमने इन्हें अच्छी तरह से बड़ी होने दी जाए। सारी पॉटुलका का स्टेम को हम इसमें रिपोर्ट कर देंगे, और इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब भी इसे रिपोर्ट करें तो इसमें मिट्टी बहुत ही अच्छी तरह से हो, यानी पॉटुलका और नीचे वाली मिट्टी के बीच में गैप ना हो, इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भरी हुई हो, क्योंकि गैप होने के कारण हमारी पॉटुलका अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। कंटेनर में थोड़ी सी जगह ऊपर तरफ रहने दें, ताकि जब भी हम इसमें पानी डालें तो पानी नीचे ना बिखरे। और हाँ, जब भी आप इन्हें रिपोर्ट करें, कोई भी नई जगह पर शिफ्ट करें, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें थोड़ी सी राख डाल दें, लगभग 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि अगर हम इसमें राख डाल देंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी, और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। विंटर के सीज़न की बात की जाए, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीने की अगर बात की जाए, तो इस समय इसमें बहुत ही कम फ्लावरिंग होती है, बाकी पूरी साल भर इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहती है। और सबसे अच्छी बात, ये छोटी छोटी कंटेनर में भी लग जाया करती है। ये देखिए, ये इसका स्टैंड है, और इस तरह हमने उसमें जो तार छोड़ रखा था उसे हम इसमें कुछ इस तरह से फिट कर देंगे, और उसके बाद छोटी छोटी स्टेम लेकर हम इसके अंदर से स्टेम निकाल देंगे। जब भी आप कोई DIY बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें शिफ्टिंग शाम के टाइम करें, यानी कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें ज़्यादातर शाम का समय ही चुनें, क्योंकि दिन के समय, सुबह के समय अगर हम कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने लगती है। दिन के समय रिपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि प्लांट ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम शाम के समय कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसके ख़राब होने के चांस मात्र 2% होते हैं, और वो भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी अगर ख़राब हुई तो हमारा प्लांट नहीं बच पाएगा, लेकिन हमारी मिट्टी अच्छी है और उसे पर्याप्त पानी दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से उसका प्लांट ग्रो हो जाता है। कुछ इस तरह हमने इसे कर दिया। अब इसे लगभग 15 दिन के लिए हमें ऐसे ही रहने देना पड़ेगा। लगभग 15 दिन बाद हम इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर देंगे, यानी ऊपर जहां इसकी कलियां बनना स्टार्ट हो गई उन कलियों के पास से थोड़ा थोड़ा इसको काटते रहेंगे। जिस दिन हम रिपोर्ट करें उस दिन भूलकर भी इस प्लांट को ना काटें, क्योंकि ये शौक में चला जाता है और उसके बाद हमारा प्लांट लगभग ख़राब ही हो जाएगा, ये समझ लीजिए। किसी भी प्लांट की प्रूनिंग उसे रिपोर्ट करने के लगभग 10 से 15 दिन बाद ही करना चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे आप जितनी बार प्रूनिंग करेंगे उतनी ही बार इसमें ढेर सारे फ्लावर खिलते रहेंगे। जनवरी फरवरी से इसमें फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो जाती है, जो लगभग सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है। अगर इसकी सही तरह से केयर की जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और पूरा गार्डन ये फूलों से भर देता है। हम सभी के गार्डन में ये सबसे चहेता प्लांट, और इसका कारण ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कम केयर की ज़रूरत होती है, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही छोटे से छोटे कंटेनर में भी ग्रो हो जाता है, और तीसरी बात ये है कि इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगली बार फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।